मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आए दिन भारत की सीमा पर गोलीबारी करने वाला पाकिस्तान अब शांति का पाठ पढ़ा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर लंबे समय से तनाव चल रहा है। दोनों मुल्कों के बीच सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं आम हैं। ऐसे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान और भारत को कश्मीर मुद्दे को आपसी तालमेल और शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि जनरल बाजवा जहां शांति की बात कर रहे हैं, वहीं उनकी सेना कश्मीर सीमा पर गोलीबारी करने से बाज नहीं आ रही है। पाकिस्तान आर्मी के मुताबिक जनरल बाजवा खैबर पख्तूनवा के रिसालपुर इलाके में पाकिस्तान वायुसेना की असगर खान अकादमी में ग्रेजुएशन सेरेमनी को संबोधित कर रहे थे। जनरल बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत को जम्मू कश्मीर के मुद्दे को जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं के मुताबिक गरिमापूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान एक शांतिप्रिय देश है जिसने क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए काफी बड़े बलिदान दिए हैं। हम आपसी सम्मान और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के उसूलों पर चलने को लेकर कमिटेड हैं। यह हर तरफ अमन का हाथ बढ़ाने का वक्त है। इससे पहले सोमवार को ही पाकिस्तान की सेना ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से लगी चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की थी। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी गोलीबारी का माकूल जवाब दिया है। रक्षा प्रवक्ता ने जानकारी दी थी कि पाकिस्तानी सेना ने आज शाम करीब 6:45 बजे बिना किसी वजह के संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए पुंछ में LOC से लगे मनकोट सेक्टर को निशाना बनाया। पाकिस्तान की तरफ से छोटे हथियारों से गोलीबारी हुई और फिर मोर्टार से भीषण गोलीबारी की गई। पिछले हफ्ते गुरुवार को पुंछ में LOC से लगे शाहपुर में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में एक 20 साल का नौजवान घायल हो गया था। जम्मू कश्मीर में साल 2020 में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम के उल्लंघन के 5,400 से ज्यादा मामले सामने आए थे, जो बीते 19 साल में सबसे ज्यादा थे। इनमें कुल 36 लोगों की मौत हुई थी और 130 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इन घटनाओं के बाद भी पाकिस्तान का शांति की बात करना शायद ही किसी को हजम हो पाएगा। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।